हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पॉजिटिव न्यूज़ मेकर आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पॉजिटिव न्यूज़ एंड स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर से हम बात करेंगे सुरेंद्रनगर जिले के लखतर तहसील में आए तलसाना गांव की। तलसाना गांव की एक खास बात यह है कि तलसाना गांव की कुल आबादी 2000 लोगों की है, लेकिन 2000 लोगों के सामने यहाँ पर 3200 जितनी गौ मैया रहती है। तो कुल आबादी 2000 है, सामने 3200 गौ माताएं हैं। तो एक तरह से ये गौ भक्त का गांव भी हुआ और इसी गांव में श्री तलसाणिया महादेव जी दादा और सती माँ का मंदिर आया हुआ है। पूरे भारत में गौ माताओं पर एक विकट संकट आया है और ये है लंपी वायरस। और इस लंपी वायरस की वजह से गाय माताएं मौत की ओर धकेली जा रही है। इसीलिए पूरे तलसाणा गांव और गौ भक्तों के द्वारा मंदिर में विशेष आयोजन किया गया था। इस आयोजन के अंतर्गत सावन माह की शिवरात्रि और तीन तीन अच्छे योग, जिसमें अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्यामृत योग का एक समन्वय हुआ था। इस तीन अच्छे योगों के संयोग में और सबने मिलकर एक विशेष आयोजन किया था। इस आयोजन में श्री तलसाणिया दादा का अभिषेक और महारुद्री के साथ अलग अलग द्रव्यों से पूजन अर्चन किया गया था। सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक यह आयोजन चला था। वैसे तलसाणा गांव के इस मंदिर में पूरे सावन माह के दौरान विविध प्रकार के शिव पूजा के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन गौ माताओं की अधिक संख्या वाले इस गाँव में मंदिर में विशेष आयोजन किया गया था। आज रोज तारीख 25/8/2022 ने गुरुवार श्रावण सुद तीरसना शिवरात्रना अभिषेक अने रुद्रीपाठनु आयोजन करवामां आव्युं। जे आयोजन गायोने लंपी रोग आवेल छे अने गायो मरण तरफ धकेलाय छे ए अटके अने माधवीना पर कृपा करे ए निमित्ते अभिषेकनुं आयोजन अने रुद्रीपाठनुं आयोजन करेल हतुं, जेमां 51 किलो दूध, 1008 मिलीपत्रो अने अलग अलग द्रव्यो द्वारा भगवान भोलानाथनो अभिषेक करवामां आव्यो, जेमां ग्रामजनो अने भावि भक्तोए खूब ज लाभ लीधो। जय महादेव, जय भोलानाथ। तलसाणा गामे 55 लीटर दूधनो तलसाणिया महादेवनो अभिषेक करवामां आव्यो। ए ढोरानी सेवा माटे ढोरोने जे लंपी नामनो रोग निकळ हो એના માટે દાદાને 55 લીટર દૂધનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ તલસાણા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ગામની અંદર 1800 ઢોરાનું રસીકરણ કર્યું હોય લંપી, અને ગાયોની અતિ ગાયું સેવા ભાઈ ગામ હોય અને ગામની અંદર માલધારી લોકો બહુ હોય એ ગાયોની સેવા કરનારા હોય અને તલસાણા માધુરનું મંદિર પૂજાતું હોય અને દાદાને 55 લીટરનો અભિષેક થયો। આજ રોજ શ્રાવણ સુદ તેરસ માસિક શિવરાત્રિ નિમિત્તે તલસાણિયા મહાદેવ મંદિર ખાતે ચિરાગભાઈ ભુવા તેમજ સમગ્ર ગ્રામજનોએ હાલમાં ચાલી રહેલ ગાયોને લંપી રોગ નિવારણ માટે એક અભિષેક તેમજ રુદ્રાભિષેક અલગ અલગ દ્રવ્યોથી પૂજાનું આયોજન કરેલ। જય મહાદેવ। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जगनमं ताम धैनु शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। इसका भावार्थ है जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और इस श्लोक को तलसाणा के गौ प्रेमी तलसाणा वासियों ने सार्थक करके दिखाया और इसी महारुद्री और अभिषेक के साथ दादा से यही प्रार्थना की थी कि विश्व भर से गौ माता पर आए इस संकट लंपी नामक वायरस को नाबूद करे। दोस्तों अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही एक आध नई पॉजिटिव स्टोरी या पॉजिटिव न्यूज़ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टेक केयर और गुड बाय।